जमीन के जिस हिस्से पर तुम नमाज पढ़ते हो, कयामत के दिन वो हिस्सा तुम्हारा गवाह बन जाएगा। बनना है तो दीनदार बनो, मालदार तो फिरौन भी था। और मैंने अपने रब के सिवा किसी को अपना ना पाया। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो परेशान मत होना, वह हमारा रास्ता है, अल्लाह हमारी मंजिल है। जो मोहताज अल्लाह का होता है, अल्लाह उससे किसी और का मोहताज नहीं होने देता। किसी को दुख मत पहुंचाना, क्योंकि हर आमाल लौट कर आता है। इंसान दोनों मामलात में बेबस है, दुख से भाग नहीं सकता और खुशी को खरीद नहीं सकता। हर वह शख्स अमीर होता है जिसके पास नमाज की दौलत होती है। सब खत्म हो जाने पर भी एक उम्मीद बाकी रहती है, अल्लाह है न सब ठीक कर देंगे। नींद बदन को सुकून देती है और नमाज रूह को सुकून देती है। किसी का साथ छोड़ने से पहले एक बार जरूर ये सोचना, उसके साथ अब तक क्यों थे। हमेशा ऐसे शख्स को चुनना जो आपको इज्जत दे, की इज्जत मोहब्बत से कहीं ज्यादा खास है। तुम गुलाब के फूल बन जाओ, क्योंकि ये फूल उन हाथों में खुशबू छोड़ जाता है जो इन्हें मसल कर फेंक देते हैं। अगर तुम किसी को दिल से चाहो और वे तुम्हारी कदर न करे, तो ये उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। अल्लाह तुम्हारे हर उस काम से खुश होता है जो तुम अल्लाह की रजा के लिए करते हो। जब इंसान को अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, न तो इंसान को बेसब्री से अजान का इंतजार रहता है। जिसका एक आमाल भी पसंद आ जाए तो जन्नत अता करने का फैसला कर देता है। लोग तो मेरे नाम मेरे चेहरे से मुझे जानते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे मेरी नियत मेरे दिल से मुझे जानता है। अल्लाह सुनता है, तुम सिर्फ सब्र करना सीखो, अल्लाह दुआ कबूल करता है। तुम सिर्फ मांगना सीखो, अल्लाह बहुत कुछ देता है। तुम सिर्फ बांटना सीखो, अल्लाह से तन्हाई में सरगोशी कीजिए, दिल तो क्या रूह पर भी असर पड़ेगा। कामयाबी एक ही किताब में छुपी है और वह है कुरान। रब अगर दे तो कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। क्या दुआ करूँ मैं मेरे अपनों के लिए, एक खुदा बस यही दुआ है कि मेरे अपने कभी किसी दुआ के मोहताज न हो। बेशक तौबा तो गुसल की तरह है, जितनी बार की जाए रूह निखर जाती है। अल्लाह जिससे राजी होता है उसे सबर दे देता है, चाहे वो सबर करने पर मजबूर हो जाए या अपनी मर्जी से सबर करे। गुरूर और गफलाट का नशा शराब से भी ज्यादा होता है, जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। दुनिया में सबसे परेशान जिंदगी वह गुजारता है जिनके सारे काम दिखावे के लिए होते हैं।